छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अनोखा मामला सामने आया। जिला पंचायत दफ्तर में कुर्सियों का भुगतान न होने पर दुकानदार कुर्सियां उठा कर ले गया, जिसके बाद पंचायत अध्यक्ष यतेंद्र साहू को अपने दफ्तर में बिना कुर्सी के फर्श पर बैठकर कामकाज करना पड़ा। आरोप है कि पिछले ढाई साल से दुकानदारों को कुर्सियों का भुगतान नहीं किया गया और मंगलवार को दुकानदार आया और सभी कुर्सियों को लेकर चला गया। कुर्सी का पेमेंट के लिए बोला था, बार बार बोलने के बाद भी पेमेंट नहीं किया सीओ, और आज फिर आया था दुकान वाले के साथ बहस हुआ। अध्यक्ष के साथ साथ जनपद सदस्य भी कुर्सी न होने के चलते इधर उधर मंडराते देखे गए। इनका आरोप है कि सीओ की वजह से कुर्सियों का भुगतान नहीं हो पाया। Z News.